आज का कहानी है नन्ही राजकुमारी और चंद्रमा। किसी राज्य में एक राजा राज्य किया करता था। उसकी एक छोटी सी बेटी थी जो बहुत ही प्यारी और मासूम थी। वह हर रात अपने कमरे की खिड़की खोलकर आसमान में निकले चांद को ताकती रहती थी। एक दिन उसने राजा यानी अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद लाकर दो, मुझे उसके साथ खेलना है। राजकुमारी की यह बात सुनकर राजा हैरान हो गए और उसे समझाने की कोशिश करी कि यह मुमकिन नहीं है, लेकिन राजकुमारी ने तो चांद पाने की जिद पर अड़ गई। चांद न मिलने की स्थिति में वह न कुछ खाती न कुछ पीती, बस पूरी रात चांद को खिड़की पर बैठकर देखती रहती थी। इस कारण धीरे धीरे राजकुमारी की तबीयत बिगड़ने लगी और वह काफी बीमार हो गई। राजकुमारी की यह हालत राजा से ना देखी गई और उसने अपने मंत्रियों और दरबारियों को राजकुमारी के लिए चांद लाने का आदेश दे दिया। राजा का यह आदेश सुनकर सभी मंत्री और दरबारी हैरत में पड़ गए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, चांद को लाना मुमकिन नहीं, यह हम भी जानते हैं और आप भी। ऐसे में हम चांद को राजकुमारी के लिए कैसे ला सकते हैं? मंत्रियों और दरबारियों की यह बात सुनकर राजा अपने राज्य में ऐलान करवा देते हैं कि राजकुमारी के लिए जो भी चांद लाकर देगा उसे खूब सारा धन इनाम में दिया जाएगा। जब राजा के इस ऐलान के बारे में एक व्यापारी को पता चला तो उससे राजा का दुख देखा न गया, वह फौरन राजा से मिलने पहुँच गया। व्यापारी ने राजा से कहा, महाराज, मैं राजकुमारी को चांद लाकर दे सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे जानना होगा कि राजकुमारी को कितना बड़ा चांद चाहिए। यह कहकर व्यापारी राजकुमारी से मिलने की इच्छा जाहिर करता है। राजा भी व्यापारी की बात मान लेते हैं और उसे राजकुमारी के पास ले जाते हैं। राजकुमारी के पास पहुंचकर व्यापारी राजकुमारी से पूछता है कि चांद कितना बड़ा है। व्यापारी के सवाल का जवाब देते हुए राजकुमारी कहती है, चांद मेरे अंगूठे के नाखून के आकार का है, क्योंकि जब भी मैं चांद के सामने अपना अंगूठा रखती हूँ वह मुझे दिखाई नहीं देता। उसके बाद व्यापारी पूछता है कि चांद कितना ऊंचा है, तो राजकुमारी कहती है, शायद पेड़ से थोड़ा ऊंचा है, क्योंकि वह हमेशा महल के बाहर लगे पेड़ के ऊपर ही नजर आता है। अंत में व्यापारी पूछता है, अच्छा राजकुमारी, चांद दिखता कैसा है? इस पर राजकुमारी जवाब देती है कि चांद चमकीला है और चांदी की तरह सफेद दिखाई देता है। राजकुमारी का यह सभी बातें सुनकर व्यापारी हंसते हुए खड़ा हो जाता है और राजकुमारी से कहता है कि कल ही मैं पेड़ पर चढ़कर उस चांद को तोड़ लाऊंगा। इतना कहकर व्यापारी राजा के पास जाता है और अपनी योजना उन्हें बताता है। राजा को व्यापारी की योजना पसंद आती है। अगले ही दिन व्यापारी एक चांदी का छोटा सा चांद बनवाकर राजकुमारी के लिए ले आता है। राजकुमारी उस चांदी के चांद को देखकर बहुत खुश होती है और उसके साथ खेलने लगती है। राजकुमारी को खुश देखकर राजा भी बहुत प्रसन्न होते हैं, मगर अब उसे इस बात की चिंता होती कि रात को जब राजकुमारी आसमान में चांद को देखेगी तो उसे समझ में आ जाएगा कि यह वह चांद नहीं है। इस बात को राजा व्यापारी के सामने रखते हैं। राजा की बात सुनकर व्यापारी कहता है कि मैं आपकी इस परेशानी को भी हल कर देता हूँ। व्यापारी राजकुमारी के पास जाता है और उससे बड़े प्यार से पूछता है कि राजकुमारी, आप यह बताइए कि किसी का दांत टूट जाता है तो क्या होता है? व्यापारी के इस सवाल का राजकुमारी बड़ी मासूमियत से जवाब देती है कि उसका नया दांत निकल आता है। तब हंसकर व्यापारी पूछता है, अच्छा यह बताइए कि क्या आपको पता है कि जब कोई चांद तोड़ लाता है तो क्या होता है? इस पर राजकुमारी कहती है, हाँ, वहां दूसरा चांद उग आता है। राजकुमारी की यह बात सुनकर व्यापारी कहता है कि अरे वाह, राजकुमारी को तो सब कुछ पता है,
इतना कहते ही व्यापारी कमरे की खिड़कियां खोल देता है और कहता है कि आइए फिर आज हम नए उगे चांद को देखते हैं। आसमान में चांद को देखकर राजकुमारी कहती है कि मेरे पास जो चांद है वह नए चांद से ज्यादा खूबसूरत है और अपने चांद के साथ खेलने में जुट जाती है। यह सब देखकर राजा बहुत ही खुश होते हैं और व्यापारी को बहुत सारा धन इनाम में देते हैं। नन्ही राजकुमारी और चंद्रमा कहानी से सीख मिलती है कि कभी कभी बड़ी मुश्किल को हल करने के लिए छोटा सा उपाय भी काफी होता है।